अंग्रेजों के जमाने से महिलाओं के अखाड़े में दो दो हाथ करने की कायम है परंपरा। वीरों की भूमि माने जाने वाले बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही महिला दंगल आयोजन की परंपरा, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी घूंघट वाली महिलाएं दंगल में खूब भिड़ी। बूढ़ी महिलाओं के ढोल बजाने के साथ ही अखाड़े डेढ़ दर्जन से अधिक कुश्तियां हुई, जिसमें कुश्ती जीतने वाली महिलाओं को सरपंच ने पुरस्कृत भी किया। दंगल के चारों तरफ पुरुषों पर नजर रखने के लिए महिलाएं लाठी डंडे से मुस्तैद रहीं। हमीरपुर जिले के मुस्कारा विकास खंड के लोदीपुर निवादा गांव में पुरानी बाजार स्थित अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ महिलाओं का दंगल आज भी आयोजित किया जाता है, जिसे गांव की सरपंच गिरजा देवी ने दो महिलाओं को हाथ मिलवाकर कुश्ती का शुभारंभ करवाया। अखाड़े में महिलाओं की 44 कुश्तियां करवाई गई, जिसमें घूंघट वाली तमाम महिलाओं की गुत्थम गुत्था देख किशोरियां ताली बजाने लगी। दंगल में कई बुजुर्ग महिलाएं भी घूंघट वाली महिलाओं से भिड़ी। अखाड़े में बुजुर्ग महिला ढोल बजाकर लोगों का उत्साह बढ़ाती रही। दंगल में महिला प्रधान ने कुश्ती लड़वाने वाली सभी 44 महिलाओं को गिफ्ट और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसमें कल्ली पाल, केसर देवी और मीरा को विशेष तौर पर पुरस्कृत किया गया। अंग्रेजों के जमाने से जारी है महिलाओं के दंगल की परंपरा। गांव की प्रधान गिरजा देवी व प्रतिनिधि नाथूराम वर्मा ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत की फौजों ने यहां लोगों पर बड़ा अत्याचार किया था, तभी महिलाओं ने अपनी हिफाजत के लिए बिना कुश्ती के दाव पेच सीखे थे। बुंदेलखंड क्षेत्र में यही इकलौता गांव है जहां सैकड़ों सालों से महिलाएं अखाड़े में कुश्ती लड़ती आ रही हैं। इससे पूर्व महिलाएं मंगल गीत गाते हुए अखाड़े तक पहुंचती थी। महिलाओं के दंगल के इर्द गिर्द नहीं भटक पाए पुरुष। गांव की ग्राम प्रधान गिरजा देवी वर्मा ने बताया कि आज शाम दंगल में सिर्फ महिलाएं और किशोरियों को प्रवेश दिया गया, जबकि पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध था। दंगल के चारों ओर पुरुषों पर नजर रखने के लिए महिलाओं की एक टुकड़ी लाठी डंडे से लैस होकर मुस्तैद रही। बताया कि महिलाओं के दंगल के समापन तक अखाड़े के आसपास कोई भी पुरुष नजर नहीं आया। हमीरपुर से संवाददाता सत्यम सिंह की रिपोर्ट, आज भी न्यूज़।